तो जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा एक एल्बम सीट, ठीक है। तो इसी एल्बम सीट को आज मैं डिजाइन करके बताऊंगा कि किस तरीके से आप डिजाइन कर सकते हैं इस तरीके के एल्बम सीट बनाने के लिए और क्या क्या तरीका अपना सकते हैं। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं पिंक कुमार, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा ले ताकि हमारा न्यू अपडेटेड वीडियो जब भी आए वो आपके पास पहुंच जाए। तो ये एल्बम देख लीजिए, आपको अच्छे से मैं दिखा देता हूँ कि ये कितने बारीकी से बनाया गया है, ठीक है। ये एल्बम है, ये जो इमेज है वो एक अलग शेप में क्रिएट है और ये जो इमेज है वो अलग अलग इमेज है और इसके बीच में जो ये इमेज दिख रहा है इसमें देखिए कुछ इफेक्ट है कि इधर डिसॉल्व हो गया है और इधर भी डिसॉल्व हो गया और बीच में दिख रहा है। तो ये सब कैसे क्रिएट करना और ये सब यहाँ पर जो इस तरीके का डिजाइनिंग करके यहाँ पर इसमें लगाया गया इमेज, ये सब कैसे क्रिएट करना है। और यहाँ पर देखिए बैकग्राउंड में एक इमेज आपको दिख रहा होगा हल्का हल्का, ये दोनों इमेज के पीछे। तो ये सब डिजाइनिंग कैसे करना है, टेक्स्ट कैसे लगाना है, ये सब मैं आपको इस वीडियो में डिटेल से बताऊंगा ताकि आपको आगे जाके एल्बम क्रिएट करने में दिक्कत ना हो। तो चलिए सीखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर फोटोशॉप ओपन कर लेना है, आपके पास जो भी वर्जन हो 7.0 हो या उससे अपडेटेड हो, ठीक है। और यहाँ पर एल्बम का शीट ले लेंगे, उसके लिए आपको फाइल में जाना है, न्यू में जाना है और यहाँ पे आपको विड्थ एंड हाइट यहाँ पे टाइप कर लेना है। विड्थ 36 और हाइट जो है वो 12, ठीक है, 12x36 का यहाँ पर पेज ले लेंगे और यहाँ पे ओके कर देंगे। तो ये जो हमारा है ये है हमारा एल्बम का पेज, ठीक है, जितना ये दिख रहा है। अब इसे हम कर देंगे फुल स्क्रीन, कीबोर्ड से आपको एक प्रेस करना है और ये फुल स्क्रीन हो जाएगा। अब यहाँ से एक बैकग्राउंड ओपन कर लेते हैं, ये वाला देखिए बैकग्राउंड है। ये बैकग्राउंड जो है आप खुद भी तैयार कर सकते हैं, आप हमें वीडियो के नीचे कमेंट करें कि किस तरीके से इस टाइप का बैकग्राउंड हम तैयार कर सकते हैं। देखिए ये जो बैकग्राउंड ये मैं खुद फोटोशॉप में ही क्रिएट किया हूँ, ठीक है। तो इसके बारे में अगर आपको जानना है तो आप हमें कमेंट करें, मैं बैकग्राउंड क्रिएट करने के लिए भी बताऊंगा। अभी उसे हम कॉपी कर लिए हैं और यहाँ पे हम इसे पेस्ट कर देंगे और उसके बाद यहाँ पर पेन टूल लेंगे और एक शेप बनाएंगे, खुद से क्रिएट करेंगे। यहाँ पे क्लिक करेंगे और उसके बाद थोड़ा सा ऊपर लेंगे और इस तरीके से कर लेंगे, ठीक है, या इस तरीके से किसी तरीके से आप कर लीजिएगा, इस तरीके से कर लिए और यहाँ पे अल्ट प्रेस करके इसका जो हैंडल है इसे हम डिलीट कर देंगे। फिर थोड़ा सा इस तरीके से कर लेंगे और फिर इसे फिर थोड़ा सा आगे जाएंगे और इस तरीके से हम कर लेंगे और फिर इसे डिलीट, फिर थोड़ा सा और आगे जाके फिर यहाँ पर इस तरीके से हम कर लेंगे और इसे डिलीट, फिर आगे जाएंगे और इस तरीके से डिलीट, ठीक है। इस तरीके से आप बना लीजिएगा, अगर और बड़ा करना चाहते हैं तो और भी बड़ा कर सकते हैं, नहीं तो मैं यहाँ पे ऊपर लेके जाता हूँ और फिर इधर और फिर यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ, ये हमारा एक शेप क्रिएट हो जाएगा, ठीक है, ये शेप क्रिएट हो जाएगा। इसे आप बड़ा भी छोटा कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर एक रूलर लगा देते हैं, हम यहाँ पे इतना रूलर लगा देंगे और इतना शेप को बड़ा कर लेंगे। तो यहाँ से कंट्रोल टी करेंगे और शेप को थोड़ा सा हम इस तरीके से बड़ा कर लेंगे और इसे थोड़ा सा इस तरीके से रोटेट कर लेंगे और इधर लगा देंगे, ठीक है, ज़्यादा हो रहा है तो थोड़ा सा और रोटेट करेंगे और फिर इस तरीके से हम लगा देंगे, ठीक है। और नीचे से अगर छोटा बड़ा करना है तो वो भी आप कर सकते हैं, ठीक है, फिलहाल हम इसी तरीके से रहने दें और यहाँ पर इंटर कर देते हैं, ठीक है। ये हमारा एक शेप तैयार हो गया, इसका एक कॉपी ले लेंगे, कंट्रोल जी से इसका एक कॉपी कर लेंगे और नीचे का जो लेयर है इसका कलर हम वाइट कर लेंगे यहाँ से और क्या करेंगे इसे बड़ा करेंगे थोड़ा सा कंट्रोल टी करके और इसे शिफ्ट प्रेस करके इसे थोड़ा सा हम इस तरीके से बड़ा कर लेंगे। बड़ा करने के बाद इसे लेफ्ट साइड की ओर लेके चले जाएंगे, ठीक है, थोड़ा सा नीचे इस तरीके से बढ़ा लेंगे, ये हो गया, इंटर कर देंगे और इसका जो ब्लेंडिंग ऑप्शन है यहाँ से जाके इसे ओवरले कर देंगे तो ये इस तरीके से यहाँ पे शो होने लगेगा। देखिए इस तरीके से यहाँ पर शेप क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले इमेज को यहाँ पे फिल कर लेते हैं, यहाँ से ओपन में जाते हैं और फर्स्ट इमेज ये वाला है, इसे सेलेक्ट करते हैं और ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद से कंट्रोल ए कंट्रोल सी कंट्रोल डब्लू और इस शेप को सिलेक्ट करके यहाँ पर कंट्रोल वी और कंट्रोल टी और इसे हम शिफ्ट के साथ छोटा कर लेंगे, ठीक है, शिफ्ट के साथ आपको इसे छोटा करना है ताकि ये टेढ़ा मेढ़ा ना हो अगर आप 7.0 में काम कर रहे हैं तो। अगर अपडेटेड वर्जन में कर रहे हैं तो आप ऐसे ही नॉर्मली पकड़ के भी कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन 7.0 में आपको शिफ्ट पकड़ के ही काम करना होगा। थोड़ा सा और छोटा करते हैं और यहाँ पर इंटर कर देते हैं। अब उसके बाद यहाँ कीबोर्ड से अल्ट प्रेस करेंगे और ये ऊपर वाला जो पिक्चर वाला लेयर है और नीचे वाला जो शेप है, ठीक है, ये दोनों लेयर के बीच में अल्ट प्रेस करके पॉइंटर को रखेंगे तो इस तरीके से यहाँ पर ऑप्शन
बन जाएगा। तो आपको क्या करना है, क्लिक करना है और ये इमेज जो है उस शेप के अंदर चला जाएगा। अब इसके चारों ओर थोड़ा हल्का सा क्या करेंगे, इनर ग्लो करेंगे। इनर ग्लो देंगे तो यहाँ पर जो पिक्चर है उसके नीचे वाला शेप ले लेंगे और इस पर क्या करेंगे, हम डबल क्लिक करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा हम इसे बड़ा करते हैं लेयर को ताकि काम करने में आसान हो। यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे लेयर पे और यहाँ पे हम जाएंगे इनर ग्लो। इनर ग्लो कहाँ पे, इनर ग्लो पे जाएंगे और यहाँ से कलर ले लेंगे। कलर हम बैकग्राउंड में ये ब्लैक कलर है, इससे रिलेटेड ही कलर हम यहाँ पे ले लेते हैं। ठीक है, ओके कर देते हैं और थोड़ा सा यहाँ इसे बढ़ाते हैं हल्का सा और थोड़ा सा साइज को बढ़ाते हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो ब्लेंड मोड है इसे हम नॉर्मल कर देंगे और यहाँ पर जो ओपेसिटी है इसे 100 कर देंगे। अब साइज को थोड़ा सा बढ़ाएंगे तो देखिए इस तरीके से यहाँ पे शो हो रहा है। तो यहाँ पर ओके करते हैं। अब कुछ इमेज लेते हैं। इस एल्बम में मैं ज़्यादा शेप क्रिएट नहीं करूँगा, मैं इमेज को ही डायरेक्ट यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, उसके बाद दूसरा इमेज यहाँ से लेते हैं पिन में और ये वाला लेते हैं और उसके बाद यहाँ पे ओपन करते हैं इसे, कंट्रोल ए, कंट्रोल सी, कंट्रोल डब्ल्यू और उसके बाद बैकग्राउंड को सिलेक्ट करते हैं और कंट्रोल वी। ठीक है, कंट्रोल टी करने के बाद से शिफ्ट के साथ छोटा कर लेंगे। ठीक है, छोटा करने के बाद इसे यहाँ नीचे लगा देंगे। ठीक है, तो नीचे इस तरीके से हम लगा देंगे और ये जो शेप है ऊपर वाला इसे थोड़ा सा हम क्या करेंगे, यहाँ पे डिफरेंट तरीके से इसे करेंगे। तो इसे सबसे पहले ये जो शेप है ये दोनों शेप को लिंक करेंगे और यहाँ से कंट्रोल टी करेंगे। कंट्रोल टी करने के बाद यहाँ पर कंट्रोल प्रेस करके इसे थोड़ा सा हम ऊपर कर लेंगे इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से ऊपर कर लेंगे और इधर वाले को थोड़ा सा बढ़ा लेंगे। ठीक है, हल्का सा नीचे। ठीक है, इतना ठीक है। अब इस इमेज को हम एडजस्ट कर लेंगे, कंट्रोल टी करके थोड़ा सा और छोटा कर लेंगे हम शिफ्ट प्रेस करके। ठीक है, और इसे यहाँ पे हम लगा देंगे और एक इमेज और लेते हैं। यहाँ से ओपन में जाते हैं वाई वाला और इसे ओपन करते हैं, कंट्रोल ए, कंट्रोल सी, कंट्रोल डब्ल्यू, कंट्रोल वी, कंट्रोल टी और इसे छोटा कर लेंगे शिफ्ट प्रेस करके। ठीक है, और इसे यहाँ पे हम लगा देंगे और इस इमेज के अनुसार ही इसे छोटा कर लेंगे इक्वल में। ठीक है, इस तरीके से इंटर कर देंगे और ऊपर से एक रूलर ले लेंगे और यहाँ पे लगा के देखेंगे कि दोनों तरफ से ये बराबर है या नहीं। ठीक है, ये दोनों तरफ से बराबर है तो अब इस इमेज को थोड़ा सा डिस्टेंस पे यहाँ पे हम लगा देंगे। ठीक है, इस तरीके से अब कोई सा एक इमेज यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे और इसके लेयर पे जाएंगे, डबल क्लिक करेंगे और इसके ऊपर हमें स्ट्रोक लगाना है। ठीक है, स्ट्रोक ले लेंगे, कलर वाइट ले लेंगे और ओके कर देंगे और यहाँ पर जो इसका साइज है वो थोड़ा सा बढ़ा देंगे। ठीक है, 10 या 12 यहाँ पे हम ले लेते हैं, 12 लेते हैं और आउटसाइड है यहाँ पर इनसाइड कर देते हैं। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर देखिए ब्लेंड मोड है, ब्लेंड मोड को यहाँ से हम कर देंगे ओवरले। ओवरले करने के बाद इसे ओके कर देंगे और इसी लेयर पे हम क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पर देखिए कॉपी लेयर स्टाइल। ठीक है, कॉपी लेयर स्टाइल करेंगे और दूसरे इमेज को यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे और इस पर जाके कर देंगे पेस्ट लेयर स्टाइल। तो जो यहाँ पर इसमें स्ट्रोक लगाए थे वो सेम स्ट्रोक इसमें लग जाएगा। ठीक है, तो ये एक साइड का जो है वो यहाँ पे हमारा एल्बम तैयार हो गया। अब इधर आते हैं तो इस लेयर को थोड़ा सा हम इधर करते हैं ताकि उधर काम करने में हमें आसानी हो। ठीक है, इस तरीके से कर लिए। अब एक इमेज यहाँ से ओपन करेंगे। ठीक है, ये वाला ओपन और इसे कंट्रोल ए, कंट्रोल सी, कंट्रोल डब्ल्यू और यहाँ पे आके हम क्या करेंगे, इसे पेस्ट कर देंगे, कंट्रोल वी और कंट्रोल टी से ट्रांसफॉर्म करके इसे छोटा कर लेंगे। और इसे इस तरीके से यहाँ पे हम लगा देंगे। ठीक है, इस तरीके से बड़ा कर लेंगे और यहाँ पे लगा देंगे और इंटर कर देंगे। अब क्या करेंगे कि इस इमेज को सेलेक्ट करके रखना है आपको और कीबोर्ड से अल्ट प्रेस करके यहाँ पर देखिए ऐड लेयर मास्क का यहाँ पर ऑप्शन है। ठीक है, तो यहाँ पर अल्ट प्रेस करेंगे और इस पर क्लिक करेंगे तो ये जो इमेज हमारा है हाइड हो जाएगा। ठीक है, वो बैकग्राउंड के अंदर हाइड हो जाएगा, एक मास्किंग उस पर आ जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर उस लेयर में आपको देखिएगा यहाँ पर समझ में आएगा, इसे थोड़ा सा बड़ा करते हैं ताकि आपको समझ में आए। देखिए यहाँ पर एक मास्क आ गया है। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि मास्क में जो कलर रहेगा उसके अपोजिट यहाँ पे कलर रखना है फोरग्राउंड में। देखिए यहाँ पर दो कलर है, फोरग्राउंड और नीचे वाला बैकग्राउंड। तो फोरग्राउंड में आपको क्या करना है, मास्क से अपोजिट कलर रखना है। तो मास्क में क्या है, ब्लैक है तो यहाँ पर व्हाइट रखेंगे और यहाँ से ब्रश सेलेक्ट करेंगे। देखिए इस टाइप का ब्रश आपको सेलेक्ट कर लेना है।
ठीक है, ये सब ब्रश आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। और क्या करना है, ब्रश को थोड़ा सा छोटा करना और जहां पर हमारा इमेज था वहां पर हम इस तरीके से चलाएंगे, ठीक है, इस तरीके से। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है, इस तरीके से चला लेंगे। सबसे पहले हम फेस को थोड़ा सा अच्छे से यहाँ पर क्लियर कर लेंगे, ये कर लिए। अब इसमें थोड़ा हल्का फल्का इधर थोड़ा सा और हम रिमूव कर लेंगे, इधर भी थोड़ा सा और हम रिमूव कर लेंगे, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि ऊपर वाइट रख रहे हैं तो बैकग्राउंड को रिमूव कर रहा है, और इसी बैकग्राउंड को अगर वापस लाना है तो आपको क्या करना है, ब्लैक को ऊपर लेके जाना है, ठीक है। तो आपको एक्सप्रेस करना है, एक्सप्रेस कीजिएगा तो ब्लैक ऊपर चला जाएगा, और जहां जहां पे आपको वापस लाना है वहां वहां पर साइड साइड में इस तरीके से आपको क्या करना है, क्लिक करना है। तो इससे क्या होगा, एक अलग टाइप का डिजाइन यहाँ पर बन जाएगा, ठीक है, देखने में अलग टाइप का लगेगा। थोड़ा सा ब्रश को बढ़ा करके भी कीजिएगा तो और थोड़ा सा अलग डिजाइन यहाँ पर आपको दिखेगा, देखिए इस तरीके से, ठीक है। तो इस तरीके से आप कर लीजिएगा यहाँ पे, और उसके बाद थोड़ा सा छोटा करके नीचे थोड़ा सा इस तरीके से आप पेंट कर लीजिए, ठीक है, ताकि नीचे हम कुछ यहाँ पे टेक्स्ट वगैरह लगा सकें, ठीक है, ये चीज आप समझ गए। फिर एक्सप्रेस करेंगे और थोड़ा सा इस तरीके से हम कर लेंगे, ठीक है, ये हो गया। अब एक इमेज और यहाँ से ओपन करेंगे, एक करके इमेज ओपन करेंगे और यहाँ पे काम करेंगे, ठीक है, इसे सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से ओपन करेंगे, उसके बाद कंट्रोल ए से ऑल सेलेक्ट, कंट्रोल सी से कॉपी और डब्ल्यू से क्लोज, और उसके बाद बैकग्राउंड को सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल वी से पेस्ट, कंट्रोल टी से ट्रांसफॉर्म, ऑफ शिफ्ट के साथ इसे हम छोटा कर लेंगे, ठीक है, शिफ्ट के साथ छोटा करके और इसे यहाँ पे हम लगा देंगे, ये थोड़ा सा और छोटा कर लेंगे इसे, ठीक है, इतना ठीक है, और यहाँ पे हम इंटर कर देंगे। और फिर से एक इमेज और यहाँ से ओपन कर लेंगे, ये वाला, और इसे ओपन कर लेंगे, कंट्रोल ए, कंट्रोल सी, कंट्रोल डब्ल्यू, और यहाँ बैकग्राउंड को सिलेक्ट करके या इसी इमेज को सिलेक्ट करके कंट्रोल वी करेंगे तो उसके ऊपर ये पेस्ट हो जाएगा, कंट्रोल टी करेंगे और इसे शिफ्ट के साथ इसे छोटा कर लेंगे। छोटा करने के बाद हम इसे यहाँ पे लगा देंगे और एक रूलर के द्वारा हम इसे चेक कर लेंगे कि दोनों इक्वल है या नहीं। तो यहाँ पर रूलर लेके और यहाँ पर इधर से भी चेक कर लेंगे और इधर से चेक कर लेंगे, थोड़ा सा इधर ये इमेज छोटा है तो इसे शिफ्ट प्रेस करके इसे थोड़ा सा हम बड़ा कर लेंगे। अब दोनों के दोनों क्या हो गया, इक्वल हो गया, इंटर कर देंगे। अब दोनों को सेलेक्ट करके एक साथ सेलेक्ट करके यहाँ पर देखिए लिंक कर लीजिएगा, दोनों को यहाँ पर लिंक कीजिएगा, उसके बाद दोनों को उठाइएगा तो दोनों एक साथ उड़ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर लिंक करके आपको इस तरीके से लगा लेना है जहाँ पे आपको लगाना है इक्वल करके, ठीक है, इतना बड़ा रहने देना है, इतना बड़ा आप रहने देना है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर छोटा करना चाहते हैं थोड़ा सा यहाँ पर कंट्रोल टी करके आप छोटा कर लीजिएगा, दोनों एक साथ छोटा हो जाएगा, ठीक है, और इस तरीके से आप एडजस्ट कर लीजिएगा, इंटर कर देंगे। और इसमें भी क्या करेंगे, एक करके स्ट्रोक डाल लेंगे, ठीक है। तो आप क्या कीजिएगा, इस पर राइट क्लिक और यहाँ पर पेस्ट लेयर का ऑप्शन दे रहा है, तो देखते हैं वही वाला जो हम कॉपी किए थे दूसरी इमेज से जो स्ट्रोक, इस पर डाल के देखते हैं तो इस पर भी ठीक ही लग रहा है, तो यही वाला डाल देते हैं, इस इमेज पे भी हम राइट क्लिक करके पेस्ट लेयर कर देते हैं, तो दोनों ये ठीक लग रहा है, ठीक है। अभी हमारा लगभग काम हो गया है, अब क्या करना है, दो पिक्चर है उस और ये यहाँ पर बैकग्राउंड में उसे हल्का सा दिखाना है, तो उसके लिए हम ओपन करेंगे, पहला इसे सेलेक्ट करते हैं और ओपन करते हैं, कंट्रोल ए, कंट्रोल सी, कंट्रोल डब्ल्यू, और बैकग्राउंड को सिलेक्ट करके यहाँ पर कंट्रोल वी और कंट्रोल टी करके इसे छोटा कर लेंगे शिफ्ट के साथ, और इसे यहाँ पे हम लगा देंगे, ठीक है, थोड़ा सा और छोटा कर लेंगे और इसे इस तरीके से लगा देंगे और इंटर कर देंगे। और ये दोनों इमेज जो है इसे हम यहाँ से लिंक करके थोड़ा सा बीच में हम कर देंगे, इस तरीके से बीच में कर देंगे, ठीक है, और यहाँ पर इंटर कर देंगे। और ये वाला जो इमेज है इसे थोड़ा सा हम कर देंगे यहाँ से सॉफ्ट, ओवरले में जाके ओवरले करके देखते हैं कैसा दिखता है, इस तरीके से दिख रहा है तो ओवरले नहीं करेंगे, इसे हम कर देंगे सॉफ्ट लाइट, ठीक है। सॉफ्ट लाइट करने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से इरेज टूल लेंगे, इरेज टूल लेंगे और इस इमेज को हम इस तरीके से साइड साइड जो इसका जो एज है वो पता चल रहा है, इसे हम यहाँ से रिमूव कर देंगे इस तरीके, ठीक है। अब ये इमेज लग रहा है कि बैकग्राउंड में फिक्स हो गया है, और इसका जो ओपेसिटी है वो थोड़ा सा हम कम करके देखेंगे तो और ये थोड़ा सा अच्छा लगने लगेगा बैकग्राउंड में, ठीक है, इस तरीके से हम यहाँ 50 के आसपास रख लेंगे, तो इधर लग गया एक बैकग्राउंड, और उसके बाद इस लेयर को थोड़ा सा हम इधर लाते हैं, ठीक है, और एक पिक्चर और यहाँ से हम ओपन कर लेते हैं, ठीक है, ये वाला ओपन करने के बाद
हम इसे कंट्रोल ए कंट्रोल सी कंट्रोल डब्ल्यू और बैकग्राउंड को सेलेक्ट करके ठीक है यहाँ पर कंट्रोल वी कंट्रोल टी और इसे हम शिफ्ट के साथ छोटा कर लेंगे ठीक है और इसे हम यहाँ पे लगा देंगे, थोड़ा सा बड़ा करके लगाएंगे ताकि ये जो हैंड है ये दोनों इमेज के बीच में यहाँ पे शो हो। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इंटर करेंगे और इस इमेज को थोड़ा सा और इधर ले आएंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे ले आएंगे और उसके बाद इसे थोड़ा सा पकड़ के इधर ले आएंगे ठीक है। इस तरीके से करने के बाद क्या करेंगे, हम यहाँ से इरेज टूल लेंगे। इरेज टूल लेने के बाद हम क्या करेंगे, साइड साइड इसे जहाँ से ये पता चल रहा है इसका एज उसे हम थोड़ा सा रिमूव कर लेंगे और इधर से भी हम रिमूव कर लेंगे। ये काम हो गया, अब क्या करेंगे इसे हम कर देंगे ओवरले, थोड़ा सा हम यहाँ से ओवरले कर देंगे या सॉफ्ट लाइट कर देंगे। सॉफ्ट लाइट ठीक लग रहा है, सॉफ्ट लाइट कर दिए और इसका एक कॉपी ले लेंगे कंट्रोल जे ठीक है और इसे हम कर देंगे नॉर्मल, नॉर्मल कर दिए और जो यहाँ पर कॉपी वाला इमेज है उसे हम क्या करेंगे इस तरीके से रिमूव कर लेंगे। उसमें सिर्फ हैंड हैंड दिखना चाहिए ठीक है, जितना हम दिखाना चाहते हैं बस हैंड ही दिखना चाहिए और ज़्यादा कुछ नहीं दिखना चाहिए इस तरीके से। उसके नीचे वाला जो इमेज है उसका जो ओपेसिटी है थोड़ा सा हम कम करेंगे इस तरीके से, देख देखिए कुछ इफेक्ट आपको दिख रहा होगा, हल्का सा कम करेंगे आप 50 के आसपास रख लेंगे ठीक है। तो इससे क्या लग रहा है, देखिए इधर से जो है हाथ है वो बैकग्राउंड में क्या हो गया, मिल गया है, इधर से भी वो बैकग्राउंड में डिजोल्व हो गया है ठीक है, और यहाँ पर जो बीच में खाली जगह है वहां पे सिर्फ हैंड दिख रहा है, तो ये अच्छा लुक देगा हमारे एल्बम को ठीक है। ये काम हो गया, अब एक टेक्स्ट लगाना है तो उस टेक्स्ट को यहाँ पे हम ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ ओपन में जाते हैं तो ये वाला टेक्स्ट लेते हैं, ओपन कर लेते हैं। इस टेक्स्ट को ले जाके हम यहाँ इस लेयर पे हम डाल देते हैं एल्बम वाले पे और इसे कंट्रोल टी करके थोड़ा सा हम छोटा कर लेंगे इस तरीके से, छोटा करके और यहाँ पे लगा देंगे, थोड़ा और छोटा कर लेंगे ताकि ये अच्छे से यहाँ पे दिख सके ठीक है। यहाँ पे हम लगा देंगे और इंटर कर देंगे। इंटर करने के बाद हम क्या करेंगे, इसमें जो लेयर है लेयर को हम इधर ले आते हैं ताकि काम करने में आसानी हो और इस पर डबल क्लिक करेंगे और इसका कलर जो है वो वाइट कर देंगे, कलर ओवरले यहाँ से हम कर देंगे वाइट ठीक है और इसे इधर लाते हैं और इसमें शैडो डालेंगे। तो यहाँ से ड्रॉप शैडो सेलेक्ट करेंगे, ड्रॉप शैडो यहाँ से ये ठीक है, ये भी ठीक है, थोड़ा सा डिस्टेंस को थोड़ा सा बढ़ाते हैं तो इस तरीके से देखिए उसमें एक शैडो आने लगेगा, तो ये ठीक लग रहा है। तो यहाँ से हम ओके कर देते हैं, अगर स्प्रेड को बढ़ाना है स्प्रेड को भी बढ़ा के देख लीजिएगा, तो यहाँ पर 8 है तो यहाँ पर हम 7-6 करके देखते हैं ठीक है, 7-6 सही लग रहा है और बाकी को सेम रहने देते हैं और यहाँ से ओके कर देते हैं। और ये हमारा जो एल्बम है वो बिल्कुल ही तैयार हो गया, मैं आपको दिखाता हूँ, इसे ऑफ करके दिखाते हैं। देखिए ये हमारा एल्बम है, तो देखिए कितना अच्छा लग रहा है ये एल्बम यहाँ पर तैयार होकर ठीक है। तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि किस तरीके से हम किसी एल्बम को डिजाइन कर सकते हैं अपने तरीके से सोचकर। आशा है कि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। इसी तरीके का वीडियो मैं आगे भी लाता रहूँगा, हमारे चैनल से जुड़े रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए धन्यवाद।